नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है डीएस चौहान एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्या डिस्कस करेंगे भैया? इमरान खान जेल जाएंगे, डिस्कस वाली बात यही है। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको वर्तमान में जेल होने वाली है। इनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है एंड दैट इज दी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट। सीधी बात है भाई, कोई भी बेल आपको नहीं होगी। वैसे तो देखिए इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, बहुत सारे केस इनके ऊपर फाइल किए गए हैं और हियरिंग्स चल रही हैं अलग अलग कोर्ट्स के अंदर। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, इसको कहते हैं तोस खाना केस, ठीक है? तोसा खाना करके है, तोस खाना करके, ठीक है, तोसा खाना केस कहते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में इनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया है। जेल जाना पड़ेगा भाई, सीधी बात है, कोई इसके अंदर आपको बचा नहीं सकता है। पाकिस्तानी जो कोर्ट है, ऑर्डर्स एंड नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट ऑफ इमरान खान इन टोस्काना केस। एक और ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, पाकिस्तान इमरान खान में भी अरेस्टेड आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर वारंट। अब ये जो वारंट इश्यू किया गया है, इसके अंदर सारा का सारा कुछ जानेंगे केस में, ठीक है, कौन सा केस था और किस प्रकार से टोस्काना कब फाइल किया गया था, किसके द्वारा फाइल किया गया था, अभी इसके अंदर रिसेंटली कौन कौन सी नई डेवलपमेंट हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल चल रहा है, वो सब चीजें, ठीक है। बट बिफोर वी बिगिन भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट इतनी सी है, छोटी सी, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज चैनल को क्या करना है यार, सब्सक्राइब करना है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और आप फ्रेंड्स के साथ में क्या करना, शेयर करना है। अगर कोई फ्रेंड्स है तो शेयर कर देना, नहीं तो रहने देना, ठीक है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, देखो पाकिस्तान का एक सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद के अंदर, उसके द्वारा एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है पाकिस्तान के इमरान खान के खिलाफ। आपने पता है जो इमरान खान है, एक स्टार क्रिकेटर हुआ करते थे, जो बाद में पोलिटी में आ गए थे, पोलिटिशियन बन गए थे। और इन्होंने क्या किया था, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको भड़काया था भैया, प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, उनको भड़काया था, उकसाया था। जबकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट एक प्रकार से नहीं बन पाती है, कोई भी गवर्नमेंट अपना कार्यकाल वहां पे पूरा नहीं कर पाई है। अभी के दिनों में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वहां पे एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो उसी दौरान ये जो है ना इमरान खान है, अपने सपोर्टर्स से क्या कहते हैं, भी प्रोटेस्ट करो आप, है ना, जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं देश में। तो इस ये भी है एक चार्जेज है इनके ऊपर। बट जो वर्तमान वाला जो केस है, वो मैंने बताया, सेलिंग ऑफ स्टेट गिफ्ट एंड द कंसेलिंग ऑफ हिज एसेट्स, ये जो यही वाला जो केस है, इसी को कहते हैं तोसखाना केस, ठीक है। जो जज थे जफर इकबाल, इन्होंने ऑर्डर दिया है, जब जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ड्रामा जो है कि शुरू हो गया था। और तीन जो और केसेस हैं इनके ऊपर, उनके अंदर तो देखो इनको बेल मिल चुकी थी, जैसे कि एक एलिगेशन ऑफ टेररिज्म, अटेम्प्ट टू मर्डर अगेंस्ट ए वाइबल पॉलिटिशियन एंड द ग्राफ्टिंग। तो ये तीन केस है पर्टिकुलर, इनके ऊपर तो इनको बेल मिल गई थी मंडे को, मंडे नहीं, ट्यूजडे की बात है, ट्यूजडे को इनके इन पर्टिकुलर केस में तो बेल मिल गई। लेकिन ये वाला जो केस है, तोसखाना वाला केस, इसमें अरेस्ट वारंट जारी किया गया, वो भी नॉन बेलेबल। भाई सीधी बात है, कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा इस केस के अंदर, आपको जेल होगी। बाकी और जो थे, जैसे और जो केस चल रहे हैं, जैसे एलिगेशन वाला है, टेररिज्म वाला है, मर्डर वाला है ना, और ग्राफ्ट वाला है, इसके अंदर तो इनको बेल मिल चुकी है। नाउ इमरान खान वाज सपोज टू बी इंडिकेटेड इन द तोसखाना केस ऑन ट्यूजडे, बट हिज लॉयर रिक्वेस्टेड टू एग्जेम्प्ट दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द अपीयरिंग इन। देखो सीधी बात यह है, इमरान खान को ऑर्डर आ गया, इमरान खान के खिलाफ ऑर्डर आ गया, भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा तोसखाना केस के अंदर। लेकिन इनके लॉयर ने क्या कहा, भाई अभी तो देखो इनको आप छूट दे दीजिए, एग्जेम्प्ट कर दीजिए, कि ये जो आपने नॉन बेलेबल जारी किया है, इसको आप बेलेबल कर दीजिए, ऐसा इनके लॉयर का कहना है, ठीक है। बट जो जजेस थे, उन्होंने इस जो प्ली है इसको रिजेक्ट कर दिया एंड इश्यूड एन ए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द इमरान खान, ठीक है। कोई भी भाई नहीं बचा पाओगे आप, जो इनके लॉयर थे उनको भी लताड़ा है इन्होंने, और सीधी बात है, ठीक है। नाउ देर इज नो लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स गैदरिंग इन द इस्लामाबाद, भाई सीधी बात है, फिर जो इसके सपोर्टर्स थे वो कहाँ पे इकट्ठे हो गए, इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किए, जिनमें से 25 लोगों को जो कि वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अभी देखो उसको अरेस्ट तो किया नहीं है, लेकिन हो जाएंगे अरेस्ट, ठीक। अभी तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन देखना पड़ेगा ना अरेस्ट किया है कि नहीं किया है। चलो व्हाट इज तोसखाना, जो ये तोसखाना है एक्चुअली में ये एक ट्रेजरी है। तोसखाना इज नथिंग बट एक गवर्नमेंट ट्रेजरी, और ऐसी ट्रेजरी जिसके अंदर क्या रखा जाता है, गिफ्ट को रखा जाता है,
कैसे गिफ्ट भाई, जो भी आपके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स को मिले हुए गिफ्ट इसके अंदर रखे जाते हैं। आप जैसे देखिए, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है देश का, ठीक है, जज हो गए, या फिर और कोई पब्लिक ऑफिशियल है, मिनिस्टर्स हो गए, आपके कैबिनेट के ये हो गए, मंत्री हो गए, ठीक है, जो भी आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ये सब जो है पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, इनको दूसरे देशों से एक्चुअली में गिफ्ट मिलते रहते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, इनको भी गिफ्ट मिलते हैं। गिफ्ट में कुछ भी मिल सकता है, सोना मिल सकता है, घड़ी मिल सकती है, कार मिल सकती है, एवरीथिंग, कोई कुछ भी गिफ्ट के अंदर कोई भी चीज मिल सकती है। तो वो जो गिफ्ट मिलता है, एक्चुअल में बात को समझना होगा, जो गिफ्ट मिलता है वो किसको मिलता है, वो उस पर्टिकुलर पोस्ट को गिफ्ट मिलता है, ना कि इंडिविजुअल को, ठीक। अगर मान के चलिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे कोई गाड़ी मिली है भाई, है ना, किसी दूसरे देश के द्वारा, तो भाई सीधी बात है, वो किसको मिली है, वो पोस्ट को, प्रधानमंत्री की पोस्ट को मिली है, ना कि मुझे। तो वो जो प्रधानमंत्री की पोस्ट को जो गिफ्ट मिला है, वो कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाएगा। हर जगह यही होता है, कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसको बेचने का या फिर उसका क्या करना है, वो सारा का सारा डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेने वाली है, चाहे करंट गवर्नमेंट हो या फिर आने वाली गवर्नमेंट हो, ठीक है। मैंने बताया तोस खाना, ये जो गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट डिवीजन, कैबिनेट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कैबिनेट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है, और 1974 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मैंने बताया मेन पर्पज यही है इसका, जो भी आपकी गिफ्ट मिलती है उनको इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो तोसखाना केस की अगर बात करते हैं, अब तोसखाना केस 2022 के अंदर, अगस्त 2022 के अंदर ये फाइल किया गया था, इनके द्वारा एक पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके पॉलिटिशियन के द्वारा इसको फाइल किया गया था, ठीक है, फॉर नॉट शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द तोसखाना गिफ्ट्स इन एनुअल एसेट सबमिटेड टू द ईसीपी, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। समझना, पूरा का पूरा प्रकरण समझना पड़ेगा। देखो ऐसा है, एक जो आपके थे एक पत्रकार थे, अबरार करके, राणा अबरार, ठीक है, राणा अबरार करके पत्रकार हुआ करते थे। उस पत्रकार ने क्या किया है, उस पत्रकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पूरी की पूरी जानकारी मांगी सरकार से, कि इमरान खान को जो तोसखाना में गिफ्ट मिले हैं उनका क्या किया आपने, वो कहां पर हैं, उन सब की मुझे क्या चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक। आगे पूरा पूरा उसके ऊपर मैंने बनाया है लेक्चर, बताऊंगा उसको भी। तो वो लेकिन सरकार उसको, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई, मना कर दिया सरकार ने, क्या कर दिया, मना कर दिया, भाई तुम कौन होते हो ये इन्फॉर्मेशन मांगने वाले, हम नहीं देंगे। सीधी बात है, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा भी देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये चीज खतरा हो सकती है, ऐसा मतलब इनका कहना था, ठीक है, इस बिहाफ में सरकार का ये कहना था। क्योंकि जिन भी देशों ने हमको मान के चलिए गिफ्ट दिए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को जितने भी मतलब गिफ्ट मिले हैं, अगर मान के चलिए उनको बेच दिया या कुछ और कर दिया उनका, तो एक प्रकार से तो अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जाएगी पाकिस्तान की, है ना भाई, तुम्हारे तुमको गिफ्ट मिले हैं, तुमने उनको बेच दिया या कहीं और घुमा दिया या जो भी कुछ किया हो गिफ्ट किया गिफ्ट को, तो इस प्रकार से पाकिस्तान की क्या हो जाएगी, पूरे अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जाएगी। ये मतलब इन्होंने ये हवाला दिया, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और हम लोग इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, सीधी बात है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनिशिएट द इंक्वायरी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी को क्या किया, इनिशिएट किया, अक्टूबर के अंदर महीने को, 21 अक्टूबर की बात है, उसके अंदर फाइनल वर्डिक्ट भी आया था कि ईसीपी ने क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया इमरान खान की जो भी पब्लिक होल्डिंग्स है, ठीक है, जो पब्लिक होल्डिंग इमरान खान की है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और इसी के मतलब बिहाफ में, इसी के विरोध में लोग सड़कों पे आ गए थे, इसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। जो ईसीपी है उन्होंने बताया कि भैया आप डिसहोनेस्ट हो, आपका जो बिहेवियर है वो डिसहोनेस्ट है, फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपने दी है, इनएक्यूरेट डिक्लेरेशन आपने किया है, और इसी के तहत अंडर द आर्टिकल 63(1)(p) के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। फिर बाद में कोर्ट के अंदर ये केस चला गया, और जहां पर इनके खिलाफ क्रिमिनल जो है कि प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब इन्हीं प्रोसीडिंग्स के मामले में, जो अभी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, इसी मामले में इनको कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन ये लोग, ये जो है ना इमरान खान, क्या कर गए, स्किप कर गए, कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। कभी कोर्ट ने ना बार बार इनको बुलाने पर भी नहीं गए, कभी कोर्ट ने इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये मामला था। अब चार चीजें गायब हुई है, जैसे कि बेशकीमती हीरे की अंगूठिया थी, जालीदार झुमके थे, कई जेवरात भी थे, और एक हाथ की घड़ी थी। हाथ की घड़ी जो है बहुत
महंगी घड़ी बताई जाती है, सोने की घड़ी थी, डायमंड्स भी इसके अंदर लगे हुए थे, और जो मोहम्मद बिन सुल्तान करके है ना सऊदी अरेबिया के प्रिंस, उनके द्वारा इनको गिफ्ट की गई थी। ठीक है, ये ज्वेलरीज है देख लेना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने क्या कर दी, बेच खाई, बेच मारी भाई सारी सारी चीजें। एक ये सोने की बंदूक भी थी भाई इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें बेच मारी। नाउ तोस खाना पीआईसी एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब देखो यार, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर 2021 की बात है, एक जर्नलिस्ट थे मैंने बताया इस्लामाबाद बेस्ड, राणा अबरार खालिद, इनके द्वारा एक फाइल सबमिट की गई थी, एप्लीकेशन सबमिट की गई थी टू द पीआईसी, दैट इज द पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन। पीआईसी को इन्होंने क्या कहा, भाई मुझे सारी की सारी डिटेल चाहिए। कौन सी डिटेल चाहिए? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मुझे डिटेल चाहिए। कौन सी डिटेल? जो तोसखाना के अंदर जितने भी गिफ्ट मिले हैं इसको, इमरान खान को, उनका क्या किया, वो कहाँ पर है, ठीक है, कितने गिफ्ट मिले हैं, वो सारी की सारी मुझे डिटेल चाहिए। तब पीआईसी ने क्या कर दिया, इस चीज को अप्रूव कर दिया और रिक्वेस्ट भेजी किसको, कैबिनेट डिवीजन को। मैंने बताया देखो, पहले कैबिनेट डिवीजन के अंडर में आता है कौन, तोसखाना डिपार्टमेंट। तो तोसखाना डिपार्टमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कैबिनेट डिवीजन। तो पीआईसी ने किसको, कैबिनेट डिवीजन को, मतलब रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ऐसे ऐसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हम लोग क्या करते हैं, इसकी जानकारी आपसे मांगते हैं। तब पहले तो कैबिनेट डिवीजन ने इसकी हामी भर ली, भी हाँ हम आपको ये सारी चीजें विद इन 10 वर्किंग डेज आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैबिनेट डिवीजन ने इसको अनलॉफुल बताया, जो ये चीजें मांगी गई थी पीआईसी के द्वारा, इसको क्या कहा, ये भैया अनलॉफुल है, ये आप चीजें है ना, इंटरनल जो सिक्योरिटी है देश की, उसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं देंगे। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट इसके बारे में नहीं दी जाएगी। तो कैबिनेट डिवीजन ने साफ साफ मना कर दिया। अब साफ साफ मना करने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये केस चला जाता है, जो अबरार थे मैंने बताया, राणा अबरार, जो पाकिस्तानी जो पत्रकार थे, उनके द्वारा फिर ये केस कहाँ पे लेके जाया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पे बहुत सारी हियरिंग्स हुई। मैनी हियरिंग्स के बाद में अप्रैल 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड जो अरशद कयानी है, अरशद कयानी डिप्टी अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इनको कहा कि भाई आप देखो इस पूरे मैटर की आप जांच करो कि जो गिफ्ट मिले हैं इमरान खान को, वो उनके ऑफिस को होल्ड करने के बाद के हैं या फिर उसके पहले के हैं। अगर आप मान के चलो पहले के गिफ्ट कोई मिले हुए हैं, है ना, तो इंडिविजुअल को अगर गिफ्ट मिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बताया अगर पोस्ट को गिफ्ट मिले हैं ना, तो भैया उनका हिसाब तो देना पड़ेगा, सीधी बात है। तो अगस्त 2018 के अंदर इन्होंने ऑफिस को क्या आउट कर दिया था, तो उसके दौरान जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस दौरान जब इनको जो भी गिफ्ट मिला है उसकी क्या की जाए, जांच की जाए। ये बात किसने कही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही थी। किसको कही, अरशद कयानी को कही, जो क्या है डिप्टी अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तब ये सारे के सारे जब इन्होंने जांच की, तो जांच में पता चला भी हाँ ये जो गिफ्ट मिले हैं, जो इन्होंने गुमा दिए हैं, चोरी कर दी है, या जो भी इन्होंने बेच मारे हैं, वो सारे के सारे मतलब इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इनको मिले थे। ठीक है, वरना तो कौन देगा भाई गिफ्ट इसको। ओके, तो इमरान खान ने भी फिर क्या कर लिया, इसको एडमिट कर लिया, बिल्कुल हाँ मैंने इनको क्या कर दिया, बेच मारा है, खा गया भी पैसे। ठीक है, एंड रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट हेड ऑफ द स्टेट, ये जो भी मिले थे उनको बेच दिया मैंने। देख लेना, यहाँ पे ग्राफ पास थी, रिंग्स थी, यहाँ पे रोलेक्स वॉचेस थी, ये सब सारी की सारी महंगी महंगी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व थी, इंक्लूड थी। नाउ फाइनल जो वर्डिक्ट आया फिर उसके अंदर क्या होता है, जो ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जो फाइंडिंग्स में इमरान खान एडमिशन एंड पिटिशनर जो डॉक्यूमेंट्री है एविडेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैड सेव्ड द डिसीजन अगेंस्ट द तोसखाना रेफरेंस, अर्थात इन्होंने पहले तो जो डिसीजन आया था उसको क्या कर लिया, सेव कर लिया, लेकिन बाद में इस डिसीजन को सुनाया गया था, 21 सितंबर की बात हो जाएंगी, और 5 साल के लिए इनका जो है ना क्या कर दिया, इमरान खान को डिसक्वालीफाई कर दिया था, सीधी बात है। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 61P, तो इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था, तो उसके विरोध में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, तो यही है मैटर सारा का सारा। अब इनको क्रिमिनल जो है ना प्रोसीडिंग्स इनके ऊपर चल रही हैं, इनको बुलाया गया कोर्ट में, ये गए नहीं, गए नहीं तो भाई सीधी बात है कोर्ट ने क्या किया, नॉन बेलेबल वारंट इनके खिलाफ जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो पाकिस्तान में अब इनको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो तो चलो देखने वाली बात होगी। बाकी आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अगर ऐसा है देन प्लीज यार चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस, मिलते हैं।